अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस सीपीयू स्केड्यूलिंग टेक्निक पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो है मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग या मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग। तो ये बेसिकली दो टेक्निक्स हैं, इन दोनों पे आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने बात की डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे, डिफरेंट सीपीयू स्केड्यूलिंग टेक्निक्स पे, जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था या जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल राउंड रॉबिन था। तो इन सब को हमने विद एग्जांपल्स है सॉल्व करके क्वेश्चंस को देखा। आज हम बात करेंगे कि मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग टेक्निक क्या है। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग टेक्निक बेसिकली स्टूडेंट्स ये है कि इसमें अगर हमें फॉर एग्जांपल जो है इंटरेक्टिव प्रोसेसेस और नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस में हम डिफरेंस कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग टेक्निक है, ये बहुत ही एफिशिएंटली ये वर्क कर सकती है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो हमें दे सकती है। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से हमने पहले देखा कि रेडी क्यू हमारे पास एक ही होती थी और उसमें से हम डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उन्हें चूज करते थे। जो है फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने देखा कि जो पहले सबसे आता है हमने उसे जो है वो चूज करना है, उसे ही हमने प्रोसेस करना है, सबसे पहले उसे ही एग्जीक्यूट करना है। जबकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में देखा कि हम जो शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम था उसे देखते थे। इसी तरह से राउंड रॉबिन में हमने टाइम स्लाइस की बात की। लेकिन यहाँ पे इंटरेक्टिव प्रोसेसेस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो जल्दी जिन्हें एग्जीक्यूट करना होता है, जो सिस्टम की रनिंग के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें हम इंटरेक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। और ऐसे प्रोसेसेस जो इतने जरूरी नहीं है, जो यूजर लेवल के प्रोसेसेस हैं, जिन्हें कर्नल लेवल पे हमें जो है वो एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम यूजर मोड में उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन्हें हम अगर डिले भी थोड़ा सा कर लें तो फिर भी बात बन सकती है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इंटरेक्टिव प्रोसेस और नॉन इंटरेक्टिव को हम डिफरेंट क्यूज में जो है वो डालते हैं। तो मल्टी लेवल क्यू का मतलब यही है कि डिफरेंट क्यूज, एक क्यू नहीं बनाएंगे, एक रेडी क्यू नहीं होगी हमारे पास, एक से ज्यादा रेडी क्यूज होंगी। किसकी बेस पे होंगी? डेफिनेटली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की बेस पे। तो इसके सेलियंट पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो व्हेन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव टास्क देन अ मल्टी लेवल क्यू इज द बेस्ट ऑप्शन। यानी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इंटरेक्टिव प्रोसेसेस और नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस जो है जब हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है अगर हम सीपीयू की स्केड्यूलिंग इस तरह से करना चाहते हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस रिक्वायर मच फास्टर रिस्पांस टाइम देन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, सो बोथ दीज टाइप्स आर स्केड्यूल्ड सेपरेटली। तो इंटरेक्टिव को रैदा से क्यू में रखेंगे, नॉन इंटरेक्टिव को रैदा से रखेंगे। रेडी क्यू शुड बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट सब क्यूज। तो सब क्यूज में किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास जीरो क्यू है सिस्टम प्रोसेसेस की, वन है इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की, और टू है जो है इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस, थ्री हमारे पास बैच प्रोसेसिंग की है, और फोर हमारे पास स्टूडेंट प्रोसेसेस जो है उनकी है। अब इसमें जो जीरो क्यू है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, वन जो है वो उससे कम होगी, टू उससे कम, एंड सो ऑन। यानी कि जो सबसे कम जो हमारे पास प्रायोरिटी होगी वो उसे हम क्या कहेंगे, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम जो वैल्यू होगी जिस डिजिट की वो क्या होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसमें सिस्टम विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट ईच प्रोसेस इन इट्स रिस्पेक्टिव क्यू विद ए नो चेंज क्यू मैकेनिज्म। और इसकी एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक जो स्टूडेंट्स वो ये है कि इसमें जब कोई प्रोसेस आएगा तो सिस्टम खुद ब खुद ही उसे डिसाइड कर लेगा कि भाई इसने किस क्यू में जाना है। वो सिस्टम की वो प्रोसेस की नौयत को देख के, प्रोसेस जो है उसे देखते हुए वो उसे उसकी रिस्पेक्टिव क्यू में भेज देगा। और एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि जब कोई प्रोसेस किसी क्यू में चला जाएगा तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉन इंटरेक्टिव क्यू में चला जाता है प्रोसेस, तो बाद में ऐसे नहीं हम कर सकते कि उसे नॉन इंटरेक्टिव में से उठा के हाई प्रायोरिटी किसी कोई इंटरेक्टिव प्रोसेसेस वाले क्यू में डाल दें, तो इस तरह से हम नहीं करेंगे। तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टू स्कीम्स और टू स्केड्यूल दिस क्यूज आर, कि इन इस तरह की जो मल्टी लेवल क्यूज है इन्हें स्केड्यूल करने के लिए हमारे पास दो सेपरेट मैकेनिज्म है। एक को हम फिक्स्ड या एब्सोल्यूट प्रायोरिटी कहते हैं, दूसरे को हम टाइम स्लाइस कहते हैं। फिक्स्ड या एब्सोल्यूट प्रायोरिटी क्या कहती है, जॉब्स फ्रॉम दी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू आर स्टार्टेड टुवर्ड्स दी लोएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब यह है कि इनकी प्रोसेसेस इन्हें कैसे किया जाएगा, इन्हें प्रोसेस इस तरह से किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर तो ये वाला मैकेनिज्म हम चला रहे हैं फिक्स या एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, तो फिर हम पहले
जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू है उससे स्टार्ट करेंगे। जब तक इसके सारे के सारे प्रोसेसेस क्यू के जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक हम जो है नेक्स्ट वाली क्यू पे नहीं जाएंगे। या फिर ऐसे हो सकता है कि इसमें हमारे पास कोई भी प्रोसेस ना हो तो हम अगली जो है क्यू पे चला जाए, अगली के पास भी ना हो कोई प्रोसेस तो फिर उससे अगली के पास चले जाए। लेकिन अगर उनमें प्रोसेसेस हैं तो फिर डेफिनेटली हमें उसके सारे के सारे प्रोसेसेस को हम जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद अगली क्यू में जाएंगे। तो यहां पे यही मैकेनिज्म है फिक्स या एब्सोल्यूट प्रायोरिटी में, जॉब फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू आर स्टार्टेड टुवर्ड्स लोएस्ट प्रायोरिटी दैट इज फर्स्ट फ्रॉम क्यू जीरो देन क्यू वन एंड सो ऑन। और सेकंड मैकेनिज्म इसमें क्या है स्टूडेंट्स, टाइम स्लाइस वाला, वही राउंड रॉबिन वाला मैकेनिज्म के डिफरेंट जो क्यूज है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो ऑन, तो इन तमाम क्यूज को हम टाइम स्लाइस दे देते हैं, क्वांटम दे देते हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम जो है वो इस क्यू में से जो लिया जाएगा प्रोसेस, फिर इससे छीन लिया जाएगा इस क्यू से और फिर अगले क्यू को दे दिया जाएगा, फिर उससे अगली को, इसी तरह से जो टाइम स्लाइस जिस तरह राउंड रॉबिन में हमने देखा वही मैकेनिज्म, यानी कि क्यूज जो है वो राउंड रॉबिन पे लगी हुई है। ईच क्यू विल गेट अ टाइम स्लाइस लाइक राउंड रॉबिन स्कीम, ईच क्यू इज गिवन इक्वल टाइम क्वांटम, तो सबको इक्वल जो है वो इक्वली जो टाइम क्वांटम दिया जाएगा। और एक इसकी नेक्स्ट वेरिएशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग। तो हम देखते हैं कि इसमें और जो हमने अभी तक पढ़ा है जो मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग है इसमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग की बात करते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग में और मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग में डिफरेंस ये है कि जो मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग है इसमें हमने देखा कि जब हमने किसी भी प्रोसेस को किसी क्यू में दाखिल कर दिया तो उसके बाद हम उसे रिवर्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी क्यू को चेंज कर दें, वो जिसमें वो चलाई गई है वो प्रोसेस जिस क्यू में चला गया है उसने उसी में एग्जीक्यूट होना है। लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग में हम किसी भी प्रोसेस को एक क्यू से निकाल के किसी दूसरी क्यू में डाल सकते हैं, यानी कि हम उसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं, उसके मेथड को एग्जीक्यूशन का मेथड जो है उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई उसके हम एजिंग का जो फैक्टर है उसे भी ओवरकम कर सकते हैं। देखें जिस तरह से द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू इज दैट इन द लेटर वन वी कैन चेंज द प्रोसेस फ्रॉम वन क्यू टू अनदर, सो एजिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड दिस वे। इस तरह से हम एजिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एजिंग के जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था कि एजिंग क्या है, एजिंग स्टूडेंट्स कहा जाता है कि जैसे जैसे कोई प्रोसेस जो है वो पुराना हुआ जा रहा है, जैसे जैसे कोई जो प्रोसेस है वो ओल्ड हो जाता है, अगर उसे टाइम नहीं मिलता एग्जीक्यूशन का तो उसकी प्रायोरिटी को बढ़ा दिया जाए ताकि उसकी बारी जल्दी आए। जिस तरह से पहले पिछले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल स्टारवेशन हो सकती है कि हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस जो हैं जिन्हें ज्यादा जो हम रखते हैं जिन्हें हम ज्यादा वेटेज देते हैं जिन प्रोसेसेस को, वो जैसे जैसे आते जाएंगे उन्हें एग्जीक्यूशन करता जाएगा सीपीयू, और जो कम प्रायोरिटी वाले हैं जिनकी वेटेज ज्यादा नहीं है सीपीयू के नजदीक वो बैठे रहेंगे और स्टारवेशन यानी कि कहत का शिकार हो जाएंगे। तो इसका हल क्या है, एजिंग। एजिंग में क्या किया जाता है कि जैसे जैसे कोई प्रोसेस जो है वो पुराना होता है वैसे वैसे उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो जब हम ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग जो अब हम एस्टेब्लिश करने के लिए जाएंगे तो कुछ चीजें हम कंसीडर अंडर कंसीडरेशन होगी वो हम खुद से डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्यूज के कितनी क्यूज बनानी है हमने, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच क्यू, तो हर क्यू का हम डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम भी हो सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट क्यू को हम कहेंगे ये भाई राउंड रॉबिन में जो है फैशन में ये सॉल्व हो, सेकंड क्यू को हम कह सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट जॉब में जो है ये सॉल्व हो, थर्ड को हम जो है वो किसी और स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम यानी जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड यूज फॉर व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस, तो मेथड ये वाला मेथड भी डिवाइस करना है कि कब किस प्रोसेस को की क्यू को चेंज किया जाए, किस बेस पे किया जाए, तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाए वैसे वैसे उसकी जो है वो अपग्रेडेशन क्यूज में कर दी जाए। इसके बाद व्हेन टू डीमोड अ प्रोसेस, तो कब कोई ऐसा मेथड भी डिवाइस करना चाहिए कि अगर कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी में है और हम समझते हैं बाद में कि भाई ये हाई प्रायोरिटी में सॉल्व होने वाला प्रोसेस नहीं है तो हम उसे लो प्रायोरिटी में भी ला सकते हैं। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये तीन क्यूज है हमारे पास Q0, Q1 एंड Q2। टाइम क्वांटम फर्स्ट क्यू के लिए हमने क्या स्कीम बनाई है कि टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड, कि जब फर्स्ट क्यू की बारी आएगी ना तो इसे 8 मिली सेकेंड का क्वांटम टाइम दे दिया जाएगा, इसमें जितना ये सॉल्व हो गया एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद इसे सीपीयू छीन लिया जाएगा और नेक्स्ट क्यू को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्यू के पास आ गया फॉर एग्जाम्पल Q1 के पास,
तो यहां पे भी राउंड रॉबिन फैशन है, तो यहां पे हम कितना देंगे, सेकंड क्यू जो हमारी क्यू वन है इसे हम 16 मिलीसेकंड का टाइम देंगे, पहली को हमने 8 मिलीसेकंड, हमने वहां पे इसकी सेटिंग इस तरह से की है एल्गोरिदम की कि फर्स्ट को और हमने स्केजुलिंग एल्गोरिदम दिया, सेकंड को और दिया, थर्ड को और दिया, और जैसे यहां पे इन दोनों का स्केजुलिंग एल्गोरिदम सेम है यानी राउंड रॉबिन है, तो इसमें हम टाइम का भी डिफरेंस कर सकते हैं कि पहली क्यू को 8 सेकंड, दूसरी को 16 मिलीसेकंड देना है। इसके बाद क्यू थ्री में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई हुई है। इसी तरह से क्यू वन जितनी भी हमारे पास क्यूज होंगी हर एक को हम डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स जो ये दो हमने स्कीम्स जो यहां पे आज देखी हैं, जो दो मेथड देते हैं देखे हैं सीपीयू स्केजुलिंग के, इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा और अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।